बैक क्रॉस क्या होता है कि जो भी F1 रिजल्ट आया है, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव पेरेंट है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस होगा उससे हमको क्या मिलेगा, F1, ठीक है, F1। अगर ये F1 को क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट पेरेंट के साथ और इसी F1 को क्रॉस कराएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो देखेंगे क्या क्या रिजल्ट आएगा। ये वाला रिजल्ट देखते हैं, ये F1 है, ये दो रिजल्ट मिला F2 है ना, ये वाला जो क्रॉस होगा उसमें हमको क्या मिलेगा, ये ऐसा होगा, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे इसमें, एक की दो है, दो इसमें, दो इसमें, एक, ठीक है, इसमें एक ही बनेंगे, ये F2। तो ये हमको दो टाइप का रिजल्ट मिलेगा अगर हम प्योर डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंट, प्योर डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंट से जो हमको रिजल्ट मिलता है F1, उसको अगर हम वापस पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अगर हम क्रॉस करवाएंगे, वापस पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तो ये F1 है, इसको डोमिनेंट पेरेंट से भी क्रॉस कराएंगे ये रिजल्ट आएगा, और रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक का मतलब होता है F1 को वापस प्योर पेरेंट से क्रॉस कराना, प्योर पेरेंट का ध्यान रखना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो क्रॉस होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है, और इस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। चलो, तो एक्चुअली इन दोनों में जो फायदा होता है वो टेस्ट क्रॉस से होता है ना, टेस्ट क्रॉस से हमको फायदा होता है। क्या फायदा होता है, नीट में टेस्ट क्रॉस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में टेस्ट क्रॉस से काफी ज्यादा, अच्छा इसके भी क्वेश्चन दूंगा ना मैं, मेजर टेस्ट के मतलब नहीं, जितना टॉपिक दिया है उतना ही आएगा, जो चल रहा है वो भी आएगा, बाकी लोगों का नहीं पता मेरा है। आप लोग आगे कभी भी जो रिसेंट टॉपिक चल रहा है वो आएगा, ये आप मान के चलो, आपको पढ़ना है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं उसको दूं टेस्ट के टॉपिक में या ना दूं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रनिंग टॉपिक हमेशा आएगा, भले मैं एक क्वेश्चन दूंगा लेकिन दूंगा, ठीक है, तो रनिंग हमेशा आएगा बेटा, ऐसा नहीं कि पुराना है, ऐसे में तो आप ना पढ़ोगे ही नहीं, रनिंग नहीं दूंगा तो आप ना पढ़ोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वैसे 6-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 7 या 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टॉपिक में, ठीक है, आज तक का जितना आएगा उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन दूंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूंगा सबसे ज्यादा, बाकी 50% जो है वो पुराना, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल किंगडम से, ठीक है, ये रेशियो रहेगा। चलो, तो देखो अब एक्चुअल में ये जो आउट क्रॉस होता है ये इसीलिए होता है, आउट क्रॉस होता है ये इसलिए होता है कि भाई हमारा जो F1 है ये क्या है हमको नहीं मालूम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉल प्लांट दे दूं, है ना, अभी तक ध्यान देंगे ये कुछ, ये क्यों आता है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा एक टॉल प्लांट दे दूं, ये टॉल प्लांट जो रहता है वो आया है टॉल मेल प्लांट एंड ड्वार्फ फीमेल प्लांट, ठीक है, अगर ये दे दिया तो अच्छी बात है, इन केस अगर ये नहीं देता है और आपको बोलता है कि ये एक टॉल प्लांट है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो अब ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है ये आपको मालूम होना चाहिए,
तो ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है कैसे मालूम चलेगा? तो टेस्ट क्रॉस के भाई आप इसका जीनोटाइप देखो कि मालूम चलेगा ना कि ये प्योर है या हाइब्रिड है। बाहर से तो आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि जो टॉल होता है वो ये भी टॉल होता है और ये भी टॉल होता है, बट ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है ना, ये प्योर टॉल है ये हाइब्रिड टॉल है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये प्योर है या हाइब्रिड है? टेस्ट क्रॉस के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेसेसिव पेयरिंग के साथ क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या बोलता है? F1 को हम रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो टॉल प्लांट है, अब मान लेते हैं कि ये रेसेसिव पेरेंट के साथ में इसको क्रॉस करा रहे हैं। तो टॉल का दो कंडीशन है बेटा, टॉल का दो कंडीशन है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम ड्वार्फ प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। चलो तो ये वाला कंडीशन के साथ देखते हैं पहला। तो इसके साथ हुआ तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा और कुछ तो नहीं बनेगा, दैट इज टॉल, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन के साथ में अगर हम क्रॉस करें, मे बी ये वाला टॉल हुआ, अगर मे बी ये वाला टॉल हुआ, प्योर डोमिनेंट टॉल होगा तो टॉल ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर हाइब्रिड टॉल के साथ में हम करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, एक टॉल आएगा। हमको नहीं मालूम ये हाइब्रिड है कि क्या, हमको तो बाहर से देखना है, फिनोटाइप देखना है। तो ये क्या आएगा, ड्वार्फ। अगर ड्वार्फ फिनोटाइप आया, इसका सीधा मतलब है कि इसके पास एक रेसेसिव जीन है, ठीक है। अगर ड्वार्फ रिजल्ट आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये जो टॉल प्लांट का हम लोग पता कर रहे थे कि ये हाइब्रिड है या फिर प्योर है, इसका सीधा मतलब है कि भैया इसके पास रेसेसिव जीन है। तभी एक रेसेसिव जीन के साथ मिलकर के, एक रेसेसिव जीन के साथ मिलकर के दूसरा रेसेसिव जीन मिलकर के एक ड्वार्फ प्लांट बना देगा, ठीक है। समझ आ रहा, इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड टॉल है ना। तो टेस्ट क्रॉस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना जीनोटाइप जाने हम उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं। समझ आ रहा है, मॉलिकुलर बेसिस पर स्टडी किए बगैर हम उसका जीनोटाइप बता सकते हैं कि उसमें जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव। क्लियर है इतना? इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा भाई, चलो बताओ, बताइए, 1:1। क्या फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है? दोनों है ना, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ये एक टॉल और एक ड्वार्फ, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम रहे, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, दैट इज 1:1, ठीक है। चलो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताओ, इसको हटा दो, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बनाओ, इधर देखो, चलो ये गिवन पेरेंट है ना। टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो निकाल, चलो मैं देखूंगा जल्दी से, बताओ।
दोनों हाइब्रिड का 1:1 आ रहा है, तो डाई हाइब्रिड का उसका मल्टीपल आएगा, दैट इज है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे अलग चीज है। हाँ चलो बताओ कितने टाइप का गैमेट बनेगा बेटा इसमें। हाँ बेटा क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें, ठीक है। इट इज F1 जो होता है टेस्ट क्रॉस में हम किसके साथ उसको क्रॉस कराएंगे, तो ये हमको यहाँ पर ऐसा कितने टाइप के कैपिटल बनेंगे इसमें, कितने टाइप के बनेंगे, चार टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। क्या क्या बनेगा, ठीक है। ये बनेगा यहाँ कितने टाइप का बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट, यही आएगा। या इसको ऐसे करना है, ऐसे कर लो चेकर बोर्ड के बच्चे, क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा ना। तो सारा 1:1:1 है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम सिमिलर। बोलो 50-50% होगा। ये क्या है, राउंड एंड येलो ओल्ड है, ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन ये नया है, ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो ये भी नया है, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन ये ओल्ड है। अभी कहाँ ओल्ड है, यहाँ है क्या, ये तो है, ठीक है, और ये है, ये दोनों नया है। तो न्यू कॉम्बिनेशन इज 50% एंड ओल्ड कॉम्बिनेशन इज 50%, ठीक है, क्लियर है। चलो सारा चीज हो गया ना, देखेंगे बेटा।